हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी आलू की सब्जी, ये जो कि सभी के घरों में बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। और ये हमने यूनिक तरीके से बनाया है। इसको आप देखिए कि कैसे बनती है और इसको बनाना हम आइए स्टार्ट करें। ये देखिए, गोभी आलू की सब्जी बनाने के लिए हमने एक मीडियम साइज़ की गोभी ली है, उसको हमने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। और हमने चार आलू मीडियम साइज़ का लिया था, उसको भी हमने छील के कट कर लिया है। हमने गैस ऑन कर दिया है और उस पर हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है। अब इसमें हम ऑयल को डालते हैं। चार टेबल स्पून आपने ऑयल डाल देना है। ये देखिए, तेल गरम हो चला है। अब इसमें हमने फ्राई करना है। ये सरसों ऑयल है। ये देखिए, पहले गोभी को इसमें फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। हमने हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है और हमने आलू को भी इसमें डाल देना है गोभी के साथ। ये देखिए, गोभी का और आलू का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसी तेल में हमने थोड़ी सी हमने मेथी को इसमें डालना है और एक चुटकी हमने हींग डालना है। मेथी हमारी थोड़ा हो जाती है तो हम प्याज को इसमें डालते हैं। ये देखिए, मेथी लाल हो गई है। अब इसमें हम एक चॉप की हुई हमने प्याज को इसमें डाल दिया और प्याज लाइट पिंक हो जाती है तो हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। ये देखिए, प्याज लाइट पिंक हो गई है। अब इसमें हम एक टीस्पून हमने अदरक लहसुन पेस्ट डालनी है। हाफ टीस्पून हमने हल्दी पाउडर डालना है और एक टीस्पून हमने मिर्चा पाउडर, एक टीस्पून धनिया पाउडर और एक टीस्पून आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकती हैं और हाफ टीस्पून हमने गरम मसाला डाला। सब मसालों को अच्छे से प्याज के साथ हमने भून लेना है। ये देखिए, मसाला भून रहा है। अब इसमें थोड़ा सा हमने 2 चम्मच हमने इसमें पानी ऐड कर देना है और इसको अच्छे से भून लेना है। ये देखिए, मसाला भून गया है और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें हमने जो फ्राई किए हुए हमने गोभी और आलू रखे थे इसको हमने इसमें डाल देना है और अच्छे से इसको मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। ये देखिए, सब्जी में मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। इस सब्जी में ज़्यादा मसाला नहीं डालते, ये सूखी सब्जी और बहुत टेस्टी बनती है। आप इस स्टाइल में बनाइए, बहुत अच्छी बनेगी। अब इसको हमने मसाले के साथ इसको मिक्स कर दिया है हमने सब्जी को और अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के पकाते हैं। ये देखिए, सब्जी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। सब्जी हमारी आधी पक गई है, सब्जी बिना टमाटर के, इसमें टमाटर नहीं डालते हैं, बहुत अच्छी होती है ये सब्जी। और ये देखिए, एक पिंच हमने अदरक को कद्दूकस कर लिया है, इसको हमने इसमें डाल देना है। 2 हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है, इसको भी हमने डाल देना है और इसको मिक्स करके देखिए, इसमें हमने अदरक और वो हरी मिर्च को मिक्स कर दिया है। अब इसमें हमने 2 टेबल स्पून हमने इसमें और पानी को डाल देना है और मिक्स करके हमें 5 मिनट के लिए ढक के पकाना है। 5 से 6 मिनट तक आप पका लीजिए। ये देखिए, 5 से 7 मिनट हो गए हैं और सब्जी तैयार हो गई है।
खुशबू आ रही है और ये आलू भी गल गया है, ये देखिए गल गया है। इसमें हमने थोड़ी सी हरी धनिया डाल देना है, मिक्स कर देना है इसको। मिनट के लिए हमने इसको ढक देना है कि धनिया की खुशबू उसमें सब्जी में आ जाए। ये देखिए एक मिनट हो गए और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, सब्जी की बहुत अच्छी खुशबू। अब इसको हम सर्व करते हैं। ये सब्जी रेडी हो गई, अब इसको हम हरी धनिया से थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। देखिए सब्जी रेडी है, इसको आप पराठे के साथ, रोटी के साथ, दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है, खाइए और बहुत टेस्टी। यकीन मानिए ऐसी बनाइए आप सब्जी और सभी को पसंद आएगी, घर में बच्चों बड़ों सभी को पसंद आएगी। और मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।